पुलिस ने किस तरह हमें डिटेन कर मेरे घर के पास से ले गई, और डिटेन करने का मतलब अभी तक पता नहीं चला कि किस लिए डिटेन कर ले गई। मैंने तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, या तो मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, तो फिर मुझे ये किस तरह पुलिस अरेस्ट कर ले गई। आप लोग देखें, मैं घर से जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, दाढ़ी बनाकर शेविंग कराकर, ये एक क्रिमिनल को ऐसा ले जाया जाता है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से, जो नेताओं की दलाली कर रहे हैं, उन पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, चाहे वो ADCP हो या कोई उच्च अधिकारी ऑफिसर हो या OC हो IC हो, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में जुड़ी तो हूं? क्या मैं कोई गलत काम कर रहा था? क्या मैं देश विरोधी काम कर रहा था? अपने चीजों को बचाना, अपने हक की आवाज को उठाना, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, और मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूँ। उसी देश के संविधान के भरोसे के तहत मैंने इसकी पहल की थी। मैंने, मेरी गलती क्या थी? मेरी सिर्फ यही कोशिश थी कि नामूस रिसालत एहतजाजी तहरीक, उस बैनर के तले हमने ये कोशिश की कि आने वाले दिनों में मस्जिद अल अक्सा के ऊपर जो हमला हो रही है, और फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उस पर इसराइल के खिलाफ पुरजोर विरोध करते हुए इसको हमने आवाज उठाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत शुक्रगुजार करता हूँ हमारे पूरे पश्चिम बर्धमान सिंपांचल के लोगों का, जिन्होंने इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो लोग आसनसोल साउथ थाना पहुंचे और मेरा समर्थन किया, वहां से एक छोटा सा रैली कर फिर हमें मनोज लाकर छोड़ा। मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। लेकिन मैं आप मीडिया के सामने से ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस क्रिमिनल एक्टिविटी में के तहत मुझे लेके गया ऐसे? ये कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी थी? मैंने क्या गुनाह किया था? मेरा गुनाह सिर्फ यही था कि मैं अपोजिशन करता हूँ, शायद इसीलिए मैं अपोजिशन करता हूँ, शायद इसीलिए, या फिर कुछ और वजह है, या फिर पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपना कपड़ा पहनकर तृणमूल कांग्रेस की दलाली में लगी हुई है, चाटुकारिता में लगी हुई है। इसका जवाब पुलिस को देना होगा, और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं और फिर एक बार बोलता हूं, ये आंदोलन सिर्फ पश्चिम बर्धमान में नहीं, MIM पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा प्रदेश में आंदोलन करेगी कि दानिश अजीज को अरेस्ट क्यों किया, और इसका जवाब देना होगा। सिर्फ आसनसोल में नहीं, मैं बहुत जल्द कलकत्ता में भी जाऊंगा, मैं अपने सीनियर लीडर्स से मिलूंगा और जाकर इसको कड़ी से कड़ी निंदा करवाकर वेस्ट बंगाल पुलिस की ये जो असली चेहरे हैं, जो नकाबपोश TMC के तौर पे काम कर रही है पुलिस, उसको बेनकाब करूंगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिए ना, लास्ट ईयर हम लोगों ने ढेर सारी प्रोग्राम की थी, ये देखिए, इनका कहना था परमिशन नहीं थी। जब परमिशन नहीं थी, आपको बता दें कि किसी भी प्रोग्राम को लेकर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट होता है या कुछ भी होता है, उसका इंटीमेशन दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन ये इंटीमेशन और इंफॉर्मेशन ही मैंने दिया था। ये देखिए, इंफॉर्मेशन का कागज मेरे पास में है, ये CP ADCP DM सबको दिया हुआ, फिर भी गलत तरीके से मुझे डिटेन कर ले गए। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है, मैं आप मीडिया के माध्यम से आज बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। इनका मनसब और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि कुछ भी करे तो तृणमूल कांग्रेस करे, अन्यथा कोई ना करे। कुछ भी करे तो तृणमूल कांग्रेस के लोग करे और कोई कुछ ना करे। लेकिन मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि मुसलमान अब जाग चुका है, अहले अवाम जाग चुका है, मुसलमान अब जाग चुका है, अहले अवाम अब जाग चुका है, पश्चिम बर्धमान के लोग जाग चुके हैं। आप, वो दौर अलग था कि आप मोदी का डर दिखाकर, RSS का डर दिखाकर हमें घर घुसा देते थे, और मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है बोलकर आप हमें घर घुसा देते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब इनका असली चेहरा कल आ चुका सामने लोगों का। इनका असली चेहरा यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों से प्यार करते हैं, आपके मस्जिदों से प्यार नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी सत्ता चाहिए। और इनको सत्ता देने के लिए हमारे अहले आवाम, पूरा पश्चिम बर्धमान के अहले मुसलमान, माइनॉरिटीज SC ST OBC सिर्फ और सिर्फ इनको वोट देता है और इन्हें समर्थन करके सरकार में बैठा देता है, बाकी ये आपके लिए नहीं है। तो ये हमें और आपको समझना होगा कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या करना है, और आंदोलन फिर से होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, फ्री फलिस्तीन और सेव अलक्सा मस्जिद के तहत, इसी बैनर के तहत, नामूस रिसालत एहतजाजी तहरीक के बैनर तले हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, और देखते हैं
चाहे वो कौशिक कुंडू हो, चाहे वो एडीसीपी के एसीपी देवराज दास हो, चाहे वो संजीव दे हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो, अगर उनका दम है तो दोबारा मेरे को डिटेन करके दिखाए, फिर से अब इस बार तो साजिश करके घर के पास से डिटेन करके ले गए, इस बार साजिश भी नहीं चलेगा, इस बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जिस थाना में दानी साजिश को रखा जाएगा उस थाना को तोड़ के निस्तो नाबूद कर देंगे अहले आवाम। ये कल हमारी पीसफुल प्रोटेस्ट थी और हमने एक संदेश दिया, शांति का प्रतीक, इस्लाम मतलब शांति का प्रतीक होता है, इसलिए हम लोगों ने शांति का प्रतीक देते हुए पीसफुली मेरे को मेरे भाइयों ने वहां पर प्रोटेस्ट करके निकाल कर ले आया। लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ जिस थाना में दानी साजिश रहेगा उस थाना को तोड़ के निस्तो नाबूद कर देंगे हम लोग, चाहे वो कोई भी रहे, किसी का नहीं सुनेंगे, चाहे वो सीपी साहब ही क्यों ना हो। এবার পূজায় আসুন নিজে স্টাইলে এমকে কালেকশনে। পূজোর কেনাকাটার জন্য সংগ্রহ করুন এবং পেয়ে যান ব্যাংকক ভ্রমণ এবং আরও অনেক পুরস্কার। আমাদের ঠিকানা গ্রাউন্ড ও প্রথম তলা গাউরি মার্কেট আসানসোল।